नमस्कार दोस्तों, आप कोई नई मूवी देखने थिएटर या फिर मल्टीप्लेक्स को जरूर गए होंगे, जहां पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है जिसे देखकर आपके मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि यह किस तरीके से काम करता है, जो कि एक छवि दीवार पर बना देता है जो कि टीवी की तरह दिखाई देता है। आज हम आपको एंकर कंपनी के प्रोजेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्टर का नाम अपोलो है। प्रोजेक्टर की कीमत 39,999 रुपये रखी गई और इसकी बिक्री सभी प्रमुख रिटेल और ई कॉमर्स स्टोर से हो रही है। इसके साथ 12 महीने की वारंटी मिल रही है। एंकर के इस प्रोजेक्टर के साइज की अगर बात की जाए तो यह एक सोडा कैन के बराबर है। इसका वजन महज 600 ग्राम के लगभग है। इसकी रेजोल्यूशन क्षमता 200 ANSI ल्यूमेंस है एवं अगर पिक्सल्स की बात करें तो 854x480 पिक्सल्स है, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं 845x480 पिक्सल्स। अपोलो का डिस्प्ले प्रोजेक्शन 150 इंच का है, जिसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें 6 वाट का स्पीकर भी लगा हुआ है। प्रोजेक्टर में आपको फिल्म देखने के लिए कुछ खास इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। अपोलो में पोर्टेबल प्रोजेक्टर के टॉप पर अनोखा टच कंट्रोल दिया गया है। इसकी मदद से आप वीडियो ब्राउजिंग कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के साथ आपको रिमोट कंट्रोल और मोबाइल ऐप कंट्रोल का भी फीचर मिलता है। इसमें इनबिल्ट बैटरी दी गई है, जिसे लेकर कंपनी ने 4 घंटे के बैकअप का दावा किया है। बैटरी के लिए इसमें वाईफाई एंड्रॉयड 7.1 भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्टर में पीछे की ओर HDMI और USB पोर्ट दिए गए हैं और ट्राईपॉड पर प्रोजेक्टर को लगाने के लिए नीचे स्क्रू होल दिए गए हैं। इस प्रोजेक्टर पर घर या फिर ऑफिस दोनों जगह पर इस्तेमाल बड़े ही व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, जिसे ना ही लाने में कोई दिक्कत आती है और ना ही ले जाने में कोई दिक्कत आती है, जिसे आप सफ़र में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और तकनीकी जगत से जुड़ी खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।